सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के दूसरा वाला टाइप, यानी कि दूसरा वाला प्रकार। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एक प्रकार ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड वाला प्रकार यानी कि सेकंड वाला टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए क्लास में हम लोग संज्ञा के भेद जो है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन नाउन, यानी कि कोई एक ग्रुप को एक कॉमन नाम से हम लोग जो पुकारते हैं वो जातिवाचक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं जातिवाचक की परिभाषा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों वस्तुओं का बोध हो, या उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जैसे कि मान लो कि एक लड़की है जिसका नाम है लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी तो एक लड़की है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारी लड़की होंगी, लेकिन उनका लक्ष्मी नाम नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियों को एक साथ एक ग्रुप में हम लोग क्या बोलेंगे, लड़की। ठीक है, लेकिन किसी एक लड़की का नाम होगा लक्ष्मी। ठीक है, तो वो पूरे जाति का, पूरे ग्रुप का एक कॉमन नाम जो दिया जाता है वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, जैसे प्राणी हो सकते हैं, प्राणी के नाम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि लड़का, लड़की। लड़की का एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने दिया, घोड़ा। घोड़ा किसी जानवर का नाम है, लेकिन प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है, वो घोड़ा है। वो जितने भी घोड़ा होंगे उसको घोड़ा ही कहेंगे। शेर, हिरन, कौवा, कोयल, तो ये सारे जो नेम है वो किसी न किसी के प्राणी के नाम है। स्थान हो सकता है, जैसे कि पहाड़, देश, गांव, शहर, गली, बाजार, नदी, तो ये किसी न किसी जगह के नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तु, वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग, जैसे साइकिल, कार, कपड़ा, खिलौना, कलम, गिलास, ये सारे किसी न किसी के नाम है। तो साइकिल का मतलब है कि जितनी भी साइकिलें होंगी, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी कंपनी का, उसे कोई मतलब नहीं है, सारे साइकिल साइकिल ही कहलाएंगे। तो वो पूरी जाति का नाम लिया जा रहा है वहां पे। शहर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो शहर जो है, तो इंडिया में जितने भी सिटीज हैं वो सारे शहर में ही आएंगे। ठीक है, तो शहर एक कॉमन नाम है, एक जाति का नाम है, वो जितने भी शहर हो उन सभी को एक ही वर्ड से हम लोग यूज करेंगे, शहर। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू। तो यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई है, इसमें किताब का नाम नहीं लिखा है, बस किताब है, बुक है। तो जितने भी बुक्स होंगे उन सभी का एक ही नाम हो, किताब। अब यहाँ पर एक डॉग है, एक कुत्ता है, तो हम लोग को नहीं पता कि इस कुत्ता का स्पेशल नाम क्या है, बस एक कुत्ता है। तो कुत्ता जितने भी होंगे उससे कोई मतलब नहीं, सभी को हम लोग एक कॉमन नाम यानी कि एक जाति के नाम से पुकारते हैं, जो है कुत्ता। ठीक है, अब यहाँ पे पेड़ है, तो पेड़, तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, फल के पेड़ हो सकते हैं, फूल के पेड़ हो सकते हैं, कुछ भी पेड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो पेड़ यानी कि एक कॉमन नाम, एक जाति का नाम दिया गया है, वो पेड़। ठीक है, तो किताब, कुत्ता, पेड़, ये किसी न किसी जाति के नाम है, तो इसीलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो जातिवाचक संज्ञा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, भेद, भेद यानी टाइप्स। अब हम लोग पढ़ रहे उसके भी भेद, यानी कि उपभेद या सब टाइप्स। तो वो कौन से हैं दो सब टाइप्स, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए पहले देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या है। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा
शब्द कहते हैं, जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, गुच्छा, गिरोह, मंडली, टोली आदि। ठीक है, तो ये सभी जो है कलेक्टिव नाम, एक्चुअली एक समूह का नाम, एक ग्रुप का नाम है। जैसे परिवार हो गया, या गुच्छा हो गया, या कक्षा हो गया, क्लास हो गया। ठीक है, तो ये सारे समूहवाचक संज्ञा होंगे, यानी कि कलेक्टिव नाम होंगे। तो कलेक्टिवली हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, मतलब वो अगर एक साथ होंगे तो हम उसे किस नाम से पुकारेंगे। तो हम लोग उसे गुच्छा कह सकते हैं, गिरोह। जैसे बहुत सारी चाबियां होती है, चाबियों का गुच्छा कहलाता है, यानी कि एक ग्रुप को सिर्फ चाबी का गुच्छा कहा जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला जो सब टाइप है, यानी उपभेद जो है, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, दूध इत्यादि। इसका मतलब क्या है कि ये सभी जो चीजें हैं, द्रव्य का मतलब है यहाँ पर कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वो धातु हो सकता है, वो मेटल हो सकता है, तो मेटल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट, कि उसे केजी से तोला जा सकता है, या कैरेट में तोला जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्य या पदार्थ, पदार्थ यानी कि कोई भी मटेरियल या थिंग, ठीक है, का बोध कराते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी, पानी एक द्रव्य है, ठीक है, लोहा एक धातु यानी कि मेटल है, तेल एक द्रव्य है, घी द्रव्य है, दाल भी एक द्रव्य है, दूध भी एक द्रव्य है। तो ये सारे जो द्रव्य और पदार्थ है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे पानी, पानी एक द्रव्य है, एक चीज है। लकड़ी, इसे भी वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पानी को भी मेजर कर सकते हैं, सोना को भी मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और किसी यूनिट में उसे लिखा जाएगा, वो सारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आया? और भी कुछ है, फूलों का गुच्छा, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, चाबियों का गुच्छा। ठीक है, तो बहुत सारी चाबी अगर एक गुच्छा में हो, एक रिंग में डाला हुआ, तो उसे चाबियों का गुच्छा कहते हैं। तो यहाँ पे फूलों का गुच्छा यानी बुके। पक्षियों का झुंड, तो बहुत सारे पक्षियों को आप देखते होंगे मॉर्निंग में, इवनिंग में, वो एक साथ एक झुंड, एक ग्रुप बनाकर घूमते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पक्षियों का झुंड। सेना, सेना यानी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जिसमें एक ग्रुप ऐसा हो जिसमें सोल्जर्स एक साथ मूव कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो सेना कहलाते हैं, सोल्जर्स। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं वो कलेक्टिव नाम्स में है, हो गए, समझ में आया? यानी कि समूहवाचक, एक छोटे से समूह को क्या कहेंगे, एक साथ, जैसे सेना, झुंड, कुछ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे लास्ट वाले 2-3 वीडियोस नाउन के जितने भी हैं, वो एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद ये देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं नेक्स्ट वाला टाइप बताऊंगी। ठीक है बच्चों, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है बच्चों, आप सभी का इन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।